पश्चिम बंगाल समेत देश के अन्य हिस्सों में डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना में कहा कि मैं मौत से नहीं डरती, मौत मुझसे डरती है, मुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं बिहार, यूपी, पंजाब जाती हूँ तो वहाँ की भाषा हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन जब आप बंगाल आएंगे तो आपको बंगला बोलनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई है, हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। दीदी ने यह भी कहा कि बंगाल में गुंडागर्दी की जा रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। ममता दीदी ने आगे कहा कि हमें ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए दीदी परेशान है। दीदी को डर लग रहा है कि जैसे लोकसभा में हाफ हुए हैं वैसे ही विधानसभा 2021 में साफ न हो जाए। दीदी को मालूम है कि मोदी और शाह की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है। अभी से ही दीदी को हार दिखना शुरू हो गया है, तभी तो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रही है। चुनाव चाहे ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, जनता अगर आपके पार्टी को वोट देना नहीं चाहेगी तो वो नहीं ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।